हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग अपना एनिमल किंगडम का नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं, समझेंगे यहाँ पर। और आज ही के लेक्चर में हम लोग अपना जो जितना भी इनवर्टिब्रेट्स वाला पार्ट है वो सारा कंप्लीट कर लेंगे। इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा दोनों को आज हम कंप्लीट आज के लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर ऑडियो एंड वीडियो अब तक सही पहुंच रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, तो हम लोग लेक्चर फिर बिना रुकावट के स्टार्ट करें। ऑडियो एंड वीडियो सब कुछ क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम अगर आ रही है ऑडियो में या वीडियो में, अगर आ रही है तो वो मेंशन करें, ठीक है। युक्ता सब सही है तो हम अब स्टार्ट कर सकते हैं आज का अपना लेक्चर एनिमल किंगडम पे फाइलम इकाइनोडर्मेटा से, ठीक है। चलिए ओके, तो यस 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 ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा को हम लोग स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स इन्हें बोला जाता है क्योंकि जब आप इनकी बॉडी का सरफेस देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इकाइनोडर्मेटा का एक जो सबसे फेमस मेंबर है जिसे हम स्टारफिश के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो सबसे फेमस मेंबर है इकाइनोडर्मेटा का, ये आपके सामने है। जो सबसे फेमस मेंबर है इकाइनोडर्मेटा का ये आपके सामने है, इसे हम लोग स्टारफिश के नाम से जानते हैं। और आपको मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि भाई जब तक हम कॉर्डेटा में एंटर नहीं करते तब तक फिश में कुछ भी नहीं आ रहा है अभी। और जितने भी नाम कॉर्डेटा से पहले आपको मिल रहे हैं जिनके आगे फिश लगा हुआ है उन्हें अलग से लिखें और समझ लें कि ये फिश नहीं है, बट इनको फिश बोला जा रहा है। किस कारण से? क्योंकि ये थोड़ा बहुत फिश के जैसे दिख रहे हैं और पानी में रह रहे हैं, तैर रहे हैं, बस इस वजह से, ठीक है। तो ये स्टारफिश है जो इकाइनोडर्मेटा की सबसे नोन मेंबर है, ठीक है। इसको हम लोग एस्टेरियास भी बोलते हैं, ठीक है। अस्टार बोल लो, अस्टार या एस्टेरियास, ठीक। स्टार के जैसी है तो नाम दे दिया एस्टेरियास, ठीक है, स्टारफिश। अब इसी को अगर आप देखो तो इसकी जो बॉडी है, इसका जो सरफेस है, क्या ये सरफेस आपको स्मूथ दिख रहा है? नहीं, ये सरफेस में आपको लग रहा है कांटे 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 जैसा कुछ बाहर निकला हुआ है, ठीक है। कांटे कांटे जैसा कुछ बाहर निकला हुआ है, ये स्मूथ सरफेस नहीं है, ये तो रफ सरफेस है, ठीक। तो क्योंकि इसका सरफेस में कांटों जैसा कुछ निकला हुआ हिस्सा दिखता है तो इसलिए इनको स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इनको स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स बोलते हैं, बट एक्चुअली में इनमें स्पाइन्स नहीं होते, ठीक है। These are not real spines. ये भी याद रखें कि they do not have real spines. इनके पास ये real spines नहीं है, लेकिन spine के जैसे उठे हुए, उचके हुए और थोड़े से नुकीले टाइप के structures इनकी सरफेस पे हैं, इसलिए इनको स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स बोला जाता है। एक्चुअली दे डू नॉट हैव द रियल स्पाइंस, ठीक है। ये स्पाइंस क्या है आगे बढ़ेंगे तो हम हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये शुरुआत हो गई फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। रिप्रेजेंटेटिव मेंबर आपके सामने है स्टार फिश, ठीक है। स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स इन्हें कंसिडर किया जाता है क्योंकि इनकी जो सरफेस है वो थोड़ी सी कैसी होती है, वो थोड़ी सी स्पाइनी दिखती है, ठीक। अब बात होगी इनके हैबिटेट की, बात होगी इनके हैबिटेट की। तो अभी आपने जस्ट देखा कि जो स्टार फिश है, हालांकि फिश बोल रहे हैं तो अपने आप को पता है कि भाई अगर हम इसे फिश बोल रहे हैं तो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इसका हैबिटेट है वो पानी में होगा। तो दे आर ऑल, दे आर ऑल मैराइन, सभी समुद्र में रहते हैं, सभी सी या ओशन में रहते हैं, मैराइन वाटर में रहते हैं, सॉल्टी वाटर में रहते हैं। बॉडी की सिमेट्री, बॉडी की सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री में हमने
जब पढ़ रहे थे सिमेट्री बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो बहुत स्पेशल मेंशन हमने दिया था इकाइनोडर्मेटा का, और उसी मेंशन की वजह से आपको इसकी सिमेट्री कभी भी नहीं भूलेगी। इसकी जो सिमेट्री होती है वो लार्वा में कैसी होती है, तो इनका जो लार्वा होता है वो होता है बाईलेटरल सिमेट्री को शो करने वाला, बाईलेटरली सिमेट्रिकल। जो इनका लार्वा होता है वो कैसा होता है, बाईलेटरली सिमेट्रिकल। और जो इनका अडल्ट है, जो इनका एडल्ट है वो कैसी सिमेट्री शो करता है, तो वो शो करता है रेडियल सिमेट्री, तो हमने क्या देखा कि लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री को शो करता है, अडल्ट रेडियल सिमेट्री को शो करता है। लार्वा में इवोल्यूशन के टाइप से देखें तो एडवांस फीचर है सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, लार्वा में एडवांस सिमेट्री है, और एडल्ट में एडवांस सिमेट्री ना होकर के प्रिमिटिव टाइप की सिमेट्री है। अडल्ट में प्रिमिटिव सिमेट्री शो हो रही है और लार्वा में एडवांस सिमेट्री शो हो रही है। ठीक, तो अगर आप डेवलपमेंट के बेसिस पे देखेंगे तो लार्वा से एडल्ट की तरफ जब ये बढ़ रहा है तो इसमें जो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये इवोल्यूशन में पीछे जा रहा है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हमने एक नाम भी दिया था, क्या, कि भाई इसमें रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। ठीक है, इसमें रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, यानी ये तो पीछे जा रहा है। ठीक है, ये रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है यानी ये तो पीछे जा रहा है। ठीक है, जैसे होता ना, एक छोटा बच्चा है उसे क्लास फर्स्ट में डाला जाता है, फिर वो सेकेंड में जाता है, फिर वो थर्ड में जाता है, फिर वो फोर्थ में जाता है, फिर वो फिफ्थ में जाता है, तो ये क्या होता है, ये प्रोग्रेस है। ठीक है, ये क्या, ये प्रोग्रेस है। लेकिन कई बार ऐसा कि थर्ड में है और वो वापस से सेकेंड में आ गया, थर्ड में है वापस सेकेंड में, तो ये क्या है, ये तो रिग्रेशन है। ठीक है, ये तो रेट्रोग्रेशन है, पीछे आना। ठीक, तो अगर हम सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है जबकि एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है, और अगर जब हम इसको देखते हैं तो ये डेवलपमेंट कहलाता है रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। इसकी बात हम कर चुके थे पहले भी। ठीक, कैविटी यस ऑफकोर्स प्रेजेंट है, सिलोमेट्स हैं, सिलोम प्रेजेंट है। ठीक है, दे आर सिलोमेट्स, सिलोम प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करेंगे, तो सुनिएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना इधर। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। अब ये जो स्टारफिश यहां पड़ी हुई है, ठीक है, ये जो स्टारफिश यहां पे पड़ी हुई है, इस स्टारफिश का एक हिस्सा तो ऊपर वाला है जो हमें दिखाई दे रहा है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोला जाता है डॉर्सल। जो आपको दिख रहा है वो है डॉर्सल। एक हिस्सा जो नहीं दिखाई दे रहा है, जो नीचे होगा, नीचे की साइड पे होगा, उसे क्या बोलोगे, वेंट्रल। जो हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, जो इस समय जमीन की तरफ है, उसे क्या बोलोगे, वेंट्रल। ठीक है, वेंट्रल टर्म कहां से आया, वेंट्रल मतलब बेली, बेली मतलब स्टमक। ठीक है, स्टमक साइड होता है तुम्हारा, वेंट्रल साइड, और पीछे का उसका हिस्सा, अपोजिट हिस्सा होता है डॉर्सल। तो इसकी बॉडी का जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो डॉर्सल है, और जो नहीं दिख रहा है, जो नीचे है, वो वेंट्रल है। ठीक, क्यों बताया, तो सुनिएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो इसका होता है वो कंप्लीट होता है, और जो इसका माउथ होता है, तो जो माउथ इसका है वो कौन सी साइड पे लोकेटेड है, तो वो वेंट्रल साइड पे लोकेटेड है। एंड जो एनस है वो कहां लोकेटेड है, तो वो डॉर्सल साइड पे लोकेटेड है। तो एनस इज लोकेटेड एट डॉर्सल साइड, ठीक। तो डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट है, माउथ लोकेटेड है वेंट्रल साइड पे नीचे की तरफ, और एनस लोकेटेड है डॉर्सल साइड पे ऊपर की तरफ। ठीक है, क्लियर। ध्यान देना एक चीज और, माउथ
माउथ को हम लोग ओरल कैविटी भी बोलते हैं, है ना। माउथ जो होता है वो ओरल कैविटी भी बोला जाता है। ओरल मतलब, अब होता है ना ओरल सुनाओ, तो ओरल सुनाओ का मतलब मुंह से बोल के बताओ, ठीक है। तो ओरल टर्म जहां आता है वो समथिंग एसोसिएटेड विद माउथ होता है, ठीक है। तो माउथ किस साइड पे है? वेंट्रल साइड पे। माउथ किस साइड पे है? वेंट्रल साइड पे। इसलिए इस वेंट्रल साइड को, इसलिए इस वेंट्रल साइड को इनके केस में इस वेंट्रल साइड को ओरल साइड भी बोला जाता है, ठीक है। इसलिए इस वेंट्रल साइड को माउथ होने की वजह से ओरल साइड भी बोला जाता है। और एनस क्योंकि इसके अपोजिट साइड पे है, एनस क्योंकि इसके अपोजिट साइड पे है, इसलिए इस साइड को इनके केस में डॉर्सल तो बोलते ही हैं, लेकिन ओरल के अपोजिट होने की वजह से इसे एब ओरल साइड भी बोला जाता है। इसे एब ओरल साइड भी बोला जाता है, इसे एब ओरल साइड भी बोलते हैं। दैट मीन्स साइड विच इज अपोजिट टू द ओरल साइड, ठीक है। एब ए बी, एब ए बी कहीं भी लगे तो मतलब होता है ऑपोजिट, मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है। क्लियर। तो हमने इसका हैबिटेट देखा, सिमेट्री देखी, बॉडी कैविटी समझी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसका डिस्कस किया, ठीक है। ये सभी मैराइन होते हैं। अच्छा, मैराइन होने के साथ साथ ना एक और खास चीज इनके साथ है कि दे आर या दे लिव एट सी या ओशन बेड। ये सी और ओशन के बेड में रहते हैं। बेड बोले तो एकदम नीचे जो तला है सी और ओशन का, ठीक है, जो तला है, जो एकदम नीचे सी और ओशन का जो पार्ट है, ये वहां रहते हैं, ठीक, जहां तक लाइट वाइट पहुंचने का कोई भी चांस नहीं है, तो ये वहीं एकदम नीचे रहते हैं, ठीक है। सो दे लिव एट द सी और ओशन बेड, और इस तरीके का या वो जोन जहां पे ये रहते हैं, ठीक है, जहां लाइट वाइट कुछ नहीं पहुंचती, एकदम नीचे सी बेड, तो वहां पे उस जोन को बोलते हैं बेंथिक जोन, ठीक है। उस जोन को क्या बोलते हैं? बेंथिक जोन। तो ये बेंथिक रीजन में रहते हैं, ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक। क्लियर। तो यहां तक कोई डाउट तो होगा नहीं, ये सारी बातें अपनी क्लियर आपको हो गई होंगी। अब हम चलेंगे आगे, और एक बहुत ही खास चीज जो इनमें प्रेजेंट है, जो दूसरे और किसी फाइलम में और किसी एनिमल्स में नहीं है, सिर्फ जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स में है, उस बात को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उस बात को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो स्पेशल है, सिर्फ इकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज स्पेशल टू इकाइनोडर्मेटा, और किसी
ठीक, एक रिंग है, और ध्यान से देखना, ये इस तरीके की एक रिंग है, ये हॉलो है, ठीक है, ध्यान सुनते रहना, ये हॉलो है, ठीक, और इसी से बाहर प्रोजेक्ट कर रहा है, इसी से बाहर प्रोजेक्ट कर रहा है एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी से बाहर प्रोजेक्ट कर रहा है एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और जिसमें यहां पे भी एक छेद है, एक पोर है, ठीक है, ये एक ऐसे पोर है बड़ा सा, ठीक। अब इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, जो सेंटर में रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, यहां से हर एक आर्म में, जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें पांच आर्म है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो हर एक आर्म में क्या होगा, एक एक यहां से एक एक ट्यूब निकल के जाएगी, एक एक कनाल निकल के जाएगी, ये इस तरीके से एक आर्म में कनाल निकल के चली गई, ठीक है, ये इस तरीके से दूसरे आर्म में कनाल निकल के चली गई, ये इस तरीके से तीसरे आर्म में कनाल निकल के चली गई, ये चौथे आर्म में कनाल निकल के चली गई, और ये पांचवें आर्म में कैनाल निकल के चली गई, ठीक, तो हर आर्म में कैनाल पहुंच चुकी है, ठीक। अब बहुत ध्यान से यहां पे आप देखिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है, कि अब हर आर्म में जो कैनाल गई है वो साइड से भी वहां पे एक एक ट्यूब ऐसे निकलती है, तो ये एक ट्यूब यहां से दोनों तरफ निकली, ये दोनों तरफ ट्यूब निकली, ये, और ऐसा हर एक साइड की कनाल में होगा, ठीक, ध्यान से देखना। फिर यहां पे एक ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, यहां पे भी ऐसा एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, यहां पे भी ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, यहां पे भी ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, और यहां पे भी ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं उस चीज पे जिस जहां पे हम जाना चाहते हैं, देखना अब क्या होगा। अब ये पूरा है किसमें, पानी में, ठीक है, ये पूरा पानी के अंदर है, ये पूरा वाटर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक, और इसने अपने सरफेस से बाहर क्या निकाला है, ये वाला हिस्सा निकाला है, ठीक, ये वाला हिस्सा निकाला है, तो बाहर से पानी इस पोर से अंदर आता है, तो ये जो पोर है, इस पोर से पानी अंदर आया, ठीक है, पानी अंदर आया, यहां पे पहुंचा, इसमें फ्लो किया, ठीक, यहां पे फ्लो करने के बाद फिर सब तरफ की कनाल्स में चला गया, यहां पे फ्लो करने के बाद फिर सब तरफ, बहुत सारा हिस्सा छूट गया है, ठीक है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा इस पे देखिए, फिर से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से वाटर जो है वो इसके अंदर जाएगा, ठीक है, इसमें पूरा सर्कुलेट करेगा, इन
कनाल्स में आएगा और यहां से फिर इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ठीक है, इनका क्या काम है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आप सिर्फ वाटर का पाथवे देखो, तो वाटर बॉडी के अंदर कैसे आ रहा है और कहां कहां पे जा रहा है, पहले अपने को वो पाथवे समझना रहेगा। ठीक है, तो अब जब अपने को इतना पाथवे समझ में आ गया कि भाई पानी जो है बॉडी के अंदर कहां से आ रहा है, तो इस वाले स्ट्रक्चर से आ रहा है। ठीक है, फिर अलग अलग कनाल्स में चला जा रहा है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं आपको थोड़ी सी और फील कराने के लिए, मैं यहां पे स्टार फिश को ना बना रहा हूं। अभी देखना ध्यान से, ठीक है, जिससे आप इसको थोड़ा फील कर पाए और अच्छे से कि ये एक्चुअली में बन क्या रहा है। ये देखिएगा यहां पे, ठीक है ना, तो आप चीजों को और ज्यादा क्लोजली विजुलाइज कर पाएंगे। देखिएगा ध्यान से, ठीक है, तो ये एक स्टारफिश ही बन गई है और हमने इस स्टारफिश को ऐसे कट किया और कट करने के बाद अंदर का वाटर वेस्कुलर सिस्टम का आर्किटेक्चर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, अब क्लियर हो रही होंगी थोड़ी थोड़ी चीजें और आपको। तो ये बाहर से बॉडी के अंदर पानी कहां से आ रहा है, तो वो इस स्ट्रक्चर से आ रहा है, वो इस स्ट्रक्चर से आ रहा है। तो ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है, तो ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये बड़ा सा पोर है जहां जो पानी लेके अंदर ला रहा है, इस बड़े वाले पोर को हम लोग बोलते हैं मेड्रेपोराइट। ठीक है, इस बड़े वाले पोर को हम लोग बोलते हैं मेड्रेपोराइट, इस बड़े वाले पोर को हम लोग बोलते हैं मेड्रेपोराइट। ठीक है, इस बड़े वाले पोर के लिए हम लोग जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो है मेड्रेपोराइट। मेड्रेपोराइट को इस सेंट्रल कनाल से, ठीक है, जिसे हम रिंग कनाल बोलते हैं, ये जो हिस्सा है सेंटर वाला, ध्यान से देखिएगा यहां पे, ये जो हिस्सा है सेंटर वाला, ये जो हिस्सा है सेंटर वाला, जिसे हम रिंग कनाल बोल रहे हैं, ये जो हिस्सा है सेंटर वाला जिसे हम रिंग कनाल बोल रहे हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, रिंग कनाल। इस रिंग कनाल से, इस रिंग कनाल से मेड्रेपोराइट को जोड़ने वाला ये जो ट्यूब है, ये वाला जो ट्यूब है, इस ट्यूब को, इस ट्यूब को बोला जाता है स्टोन सेल। ठीक है, इस ट्यूब को क्या बोला जाता है, तो इस ट्यूब को बोला जाता है स्टोन कनाल, सॉरी, इस ट्यूब को क्या बोला जाता है, तो इस ट्यूब को बोला जाता है स्टोन कनाल। तो मेड्रेपोराइट बाहर से पानी लेता है, स्टोन कनाल उसको रिंग में पहुंचाता है, रिंग से ये पानी फिर हर एक आर्म में जाता है। ठीक, और आर्म जो ये बने हैं, आर्म जो ये पानी लेके जा रही है, ये कनाल, ये वाली कनाल, ये वाली कनाल, ये वाली कनाल, इन कनाल्स को बोला जाता है रेडियल कनाल्स। ठीक है, इन कनाल्स को बोला जाता है रेडियल कनाल्स। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, तो इन्हें बोला जाता है रेडियल कनाल्स। तो ये आर्किटेक्चर है अपना, ठीक है, ये अपना आर्किटेक्चर है किसका, ये अपना आर्किटेक्चर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का। ठीक है, ध्यान से देखना, अब मैं आपके सामने सिर्फ इतने से हिस्से को अलग करके दिखाना चाहता हूं, सिर्फ इतना सा हिस्सा मैं अलग करके आपको दिखाऊंगा और बहुत ही ध्यान से इस पार्ट को आप देखना, ठीक है, तभी आप इसे समझ पाएंगे कि एक्चुअली में ये क्या चीज है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, सिर्फ इतने हिस्से को मैं अलग करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, एक ही साइड का दिखा रहा हूं। तो एक रेडियल कनाल का ये पार्ट है, ठीक है, एक रेडियल कनाल का ये पार्ट है, यहां से, यहां से फिर ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसे मैं बोल रहा हूं वो अराइज हो रहा है। ठीक है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहां से ऐसे, एक सेकेंड रब करता हूं, ठीक है, जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है वो यहां से अराइज होगा। देखिएगा, ये ऐसे आया और यहां पे ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर अराइज हुआ। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर नीचे एक इस तरीके का मस्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है, ये समझना, ये ऐसे बंद है नीचे से, ठीक, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बना, ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर और नीचे से भी एक हॉलो ट्यूब है, हॉलो ट्यूब और बॉल लाइक स्ट्रक्चर किससे कनेक्टेड है, रेडियल कनाल से कनेक्टेड है। ठीक, इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्यूब फीट। इस पूरे
स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्यूब फीट, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्यूब फीट। ठीक, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। तो अब आप इमेजिन करो, ठीक है, अब आप विजुलाइज करो कि कितने सारे हर तरफ ट्यूब फीट हैं। अब इस डायग्राम को देख लो, ठीक है, अब इस डायग्राम को देख लो जो बना बनाया आपके सामने रखा हुआ है। तो ये रिंग कनाल है, रिंग कनाल के अंदर पानी कौन ला रहा है, मेड्रेपोराइट वाया स्टोन कनाल। हर एक आर्म में पानी कौन पहुंचा रहा है, तो रेडियल कनाल्स हैं उसके लिए, ठीक है, और हर रेडियल कनाल से जुड़े हैं बहुत सारे ये ट्यूब फीट, बहुत सारे ट्यूब फीट ये बॉडी के बाहर प्रोजेक्ट करते हैं, कौन, ट्यूब फीट, ठीक है, ये बॉडी के बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब समझिएगा, ठीक है, अब समझिएगा ये कैसे मूव करता है, वो देखना, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कि ये मूव कैसे करता है। ठीक, तो देखना, अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये मूव कैसे कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इमेजिन करना है कि अपने सामने एक स्टारफिश है, ठीक है, स्टारफिश के बाहर ये ऐसे मेड्रेपोराइट जो है वो लहरा रहा है पानी में, और ये क्या है, ये है स्टोन कनाल, ये क्या है, ये है स्टोन कनाल। मेड्रेपोराइट ने खूब सारा पानी अंदर लिया, ऐसे सक करके खूब सारा पानी अंदर लिया, स्टोन कनाल के थ्रू ये पानी रिंग कनाल में भर गया पूरा, ठीक है, वहां से फोर्स के साथ कहां चला गया, रेडियल कनाल में, ठीक, रिंग कनाल में पानी भरा, वहां से फोर्स के साथ कहां चला गया, रेडियल कनाल में, और रेडियल कनाल से पानी कहां गया, रेडियल कनाल से गया पानी इन ट्यूब, इन गोल 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 वाले स्ट्रक्चर में जाके भर गया, ठीक है, समझना, इमेजिन करो, इमेजिन करोगे तो मजा आ जाएगा सच में इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। जैसे ही ये पानी रेडियल कनाल में गया, रेडियल कनाल के बाद पानी इस गोल वाले जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है वहां जाके भर गया, तो ये सारे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, ये सारे बॉल लाइक स्ट्रक्चर भर चुके हैं पानी से, ठीक है, ये सारे बॉल लाइक स्ट्रक्चर भर चुके हैं किससे, पानी से। जब ये पानी से एकदम भर जाएंगे तो इनमें प्रेशर होगा, और उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो सारे बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट किए, ध्यान सुनिएगा, सारे बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट किए, और उनका पानी कहां चला गया, उनका पानी कहां चला गया, इस वाले हिस्से में चला गया, ठीक है, उनका पानी कहां आ गया, उनका पानी आ गया इस वाले हिस्से में, फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट किया, पानी कहां आ गया, इस वाले हिस्से में, पानी कहां आ गया, इस वाले हिस्से में, यहां पे ये जो ट्यूब्स हैं, ये जो ट्यूब्स हैं ये पानी से एकदम भर चुके हैं, ये पानी से एकदम भर चुके हैं, फोर्स में, इन फोर्स से पानी इनमें भर चुका है, एकदम बहुत ही हाई फोर्स से, हाई प्रेशर से पानी इसके अंदर भर गया। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर थे ये ऐसे थे, और ये एकदम झट से ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर एकदम से इस तरीके फैलेंगे, ठीक, और ये सभी के सभी मस्कुलर हैं, तो ये जिस डायरेक्शन में इसको जाना होगा ये उस डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करते करते जाएंगे। तो एक तरीके से जो इनकी ये ट्यूब फीट हैं, ये जो ट्यूब फीट हैं, ये पानी भरने के बाद, ये पानी भरने के बाद मस्कुलर मूवमेंट की वजह से इसको मूव कराते हैं आगे पीछे। तो ये एक तरीके से इनमें जो लगा हुआ सिस्टम है, ठीक है, इनमें जो लगा हुआ सिस्टम है, इनमें जो लोकोमोशन हो रहा है वो वाटर प्लस मस्कुलर मूवमेंट की वजह से हो रहा है, और इस तरीके के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है, यहां पे जो ये कर रहा है इसे बोला जाता है हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक, क्योंकि वाटर ने फोर्स लगाया तब ये ट्यूब फिट जो है वो एकदम खुले, इस तरीके से एकदम से ऐसे खुले, और फिर मसल की वजह से ये जिधर मूव करना है वहां मूव करके जा पा रहे हैं। तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो इनके अंदर प्रेजेंट है वो आपको समझ में आया। तो ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये आपको समझ में आया क्या, जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके सामने, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये आपको समझ में आया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है अगर इसमें तो बताइए मेरे को। तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, क्लियर है, रिमझिम आप बोल रहे हैं क्लियर है, ओके, वंदना, युक्ता, संजना, स्मृति, ठीक है, वेरी गुड। तो आपको ये चीज़ें समझ में, ये चीज़ समझ में आ चुकी है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो इसके अंदर किस लिए प्रेजेंट है, तो ये इसके अंदर लोकोमोशन भी करता है, ठीक है, ये लोकोमोशन के लिए भी है,
ठीक, कैप्चरिंग ऑफ प्रे, ठीक, ये ऐसे करता हुआ एकदम फास्ट तरीके से। अब और समझना, इसमें एक और ऐड करता हूं, प्रे कैसे कैप्चर करता है, ठीक है, प्रे कैसे कैप्चर करता है, सुनिएगा, उसमें भी मजा आएगा आपको, ठीक। देखो अब ये चुपचाप धीरे 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 जा रहा है, ठीक है, और अपने प्रे के ऊपर जाके, शिकार के ऊपर जाके बैठ जाएगा। इसके शिकार ज़्यादातर होते हैं क्रस्टेशियंस, ठीक है, इसके शिकार ज़्यादातर कौन होते हैं, क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस कौन होते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं अपने ये जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं, है ना, आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं, मैंने उसमें कैटेगरीज आपको बताई थी लास्ट लेक्चर के अंदर, तो जो पहली कैटेगरी बताई थी वो क्रस्टेशियन की बताई थी, ठीक। तो इनका जो शिकार होता है वो क्रस्टेशियन होता है, तो ये अपने ट्यूब फीट से मूव करते करते क्रस्टेशियन के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। वो भी क्रस्टेशियन भी ऐसा शो करता है कि उसे पता नहीं चला, या अपने आप को हाइड करने की कोशिश करता है, कुछ भी मोशन नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि अब जब एक बार ये बैठ गया तो अब जो भी है वो सब इसके हाथ में, वो भाग तो नहीं सकता, और भागने की कोशिश करेगा तो फिर ये और अलर्ट हो जाएगा, ठीक, इसलिए वो चुपचाप रहता है। अब ये उसके ऊपर जाके बैठ गया, ठीक है, और इसको जब एकदम लास्ट में फील हो गया कि हाँ भाई ये क्रस्टेशियन है, ये मेरा शिकार है, तो अब क्या करता है ये, अपने इन्हीं हाइड्रोलिक फीट में और ज़्यादा प्रेशर से पानी फेंकता है, ठीक है, और ज़्यादा प्रेशर से पानी फेंकता है और मसल से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है उन क्रस्टेशियन को, ठीक है, मसल से एकदम कॉन्ट्रैक्ट करेगा उन क्रस्टेशियन को, ठीक, मसल से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा उन क्रस्टेशियन को। सबसे अमेजिंग चीज़, सबसे अमेजिंग अमेजिंग चीज़ जो है वो बता रहा हूँ आपको, वो ये है कि अब ये उसमें कौन से साइड से हैं, वेंटर की साइड से हैं, ठीक है, उसमें कौन से साइड से हैं, वेंटर की साइड से। तो कई बार क्या करते हैं ये, अपने स्टमक को ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, अपने स्टमक को बाहर निकाल लेते हैं और उस पर्टिकुलर क्रस्टेशियन के ऊपर वहीं बाहरी बाहर फेंकते हैं, क्या बाहरी बाहर डाइजेस्टिव एंजाइम डालते हैं, ठीक है, इन्होंने पेट ऐसे बाहर की तरफ निकाल दिया और छिड़कना स्टार्ट किया, क्या डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और डाइजेस्टिव एंजाइम छिड़कने की वजह से उन क्रस्टेशियन की एक तो एकदम उसको क्रश कर लिया तो मर गया वो, ठीक है, स्टमक बाहर निकाला, डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर छिड़का तो वो डाइजेस्ट होना भी स्टार्ट कर गया है, डाइजेस्ट होना जैसे जैसे स्टार्ट किया ब्रेकडाउन होता जाएगा तो माउथ भी उसका वेंटर की साइड पे, फिर वो उसको खा लेगा, फिर वो उसको खा लेगा और जो अपना प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से कैप्चर ऑफ प्रे में भी जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो हेल्प करता है, ठीक है, तो कैप्चर ऑफ प्रे में भी ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो हेल्प करता है। तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है, हाँ। अब चलते हैं और बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, ठीक है, बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में काफ़ी सिंपल चीज़ है कि भाई दे इन देम सेक्सेस आर सेपरेट, ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होते हैं, सेक्सेस सेपरेट हैं, सेक्सेस सेपरेट हैं इनके, ठीक है, तो मतलब यूनिसेक्सुअल हैं, मेल फीमेल ऐसे दो अलग अलग प्रेजेंट रहते हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, ठीक है, मेल फीमेल अलग अलग प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, पता ही है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट बोथ आर रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, बोथ आर रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी एंड दे फर्टिलाइज आउटसाइड द बॉडी इन वॉटर,
तो दोनों ही मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स अपने गैमीट्स को पानी में छोड़ देंगे, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों ही पानी में छोड़े जाएंगे दोनों इंडिविजुअल्स के द्वारा, और वहीं पे पानी में ही ये फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। हालांकि ये प्रिमिटिव तरीका है, ठीक है, लेकिन इनमें प्रेजेंट है, इनमें बहुत सारे प्रिमिटिव टाइप के फीचर्स प्रेजेंट है, ये थोड़ा सा बैकवर्ड टाइप का फाइलम है, ठीक। हालांकि बहुत सारे एवोल्यूशनरी चेंजेस भी आ गए, जैसे ऑर्गन सिस्टम है, सिलोम है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर है, तो उस वजह से इनको फाइलम में देखा जाता है, आगे रखा गया है, लेकिन बहुत सारे फीचर इनमें छोटे छोटे ऐसे हैं जो कि प्रिमिटिव टाइप के हैं। जैसे एक आप यही देख पा रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल जो कि सही नहीं है, एक प्रिमिटिव टाइप का फीचर होता है ये, ठीक है। दूसरी चीज कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यानी लार्वा बनता है, ठीक है, लार्वा बनता है, ठीक है। अब तुमको एक स्पेशल चीज़ और बताता हूँ, ठीक है, एक और ख़ास चीज़ बताता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट, जिससे आपको ना थोड़ा स्टार फिश और ये सब अपने दिमाग में चलती रहें चीज़ें, ठीक है, कि अमेजिंग कुछ चीज़ें वहाँ पड़ी थी, तो जब ऐसा रहता है तो अपने को फाइलम याद करने में हेल्प मिलती है, देखना मज़ेदार चीज़ है। अब अपन क्या कर रहे हैं, एक स्टार फिश बना रहे हैं यहाँ पे, रफ डायग्राम, ठीक है, रफ डायग्राम बनाया एक स्टार फिश का, सेंटर पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया है सेंटर में, ये एक्चुअली में क्या है, तो ये है नर्व रिंग, तो इनमें सेंटर में क्या होता है, नर्व रिंग होती है, सेंटर में नर्व रिंग प्रेजेंट है, ठीक। नाउ यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं कि स्टारफिश जो है, स्टारफिश के अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, ठीक है, इनके अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, यानी अगर ये एक्सीडेंटली कहीं से इनका कोई पार्ट डैमेज हो गया तो वो नया आ सकता है। सो स्टारफिश शोज पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक है, लेकिन रीजनरेशन कैसा होगा वो डिपेंड करेगा कि जो हिस्सा कैसे कटा है, वो हिस्सा किस तरह से कटा है, उस पर डिपेंड करेगा कि रीजनरेशन किस तरह का होने वाला है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर मान लो इसमें यहां से कट लगता है, ऐसा कट लगता है, किसी भी आर्म में लग सकता है और इस तरह का कट लगता है, ठीक है, अगर इस तरीके का कट लगता है, अगर ऐसा कट लग रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो हिस्सा है ये बाहर निकल आएगा और डैमेज हो जाएगा, ठीक है, ये हिस्सा जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा कट लगा तो ये बाहर निकल आएगा, ये हिस्सा खत्म हो जाएगा, और इस केस में जब इस तरह कट लगेगा तो ओनली द फिफ्थ आर्म विच इज लॉस्ट विल रीजनरेट। यानी इस केस में अगर ये कट गया तो फिर ये रीजनरेट करके सिर्फ ये आर्म नया बना लेगा। जैसा आपने देखा होगा इन केस ऑफ लिजर्ड, उनकी जब पूंछ कट जाती है तो पूंछ नहीं आ जाती है, तो उतना ही वैसे ही यहां पे भी होगा,
ठीक है। लेकिन अगर मान लो कभी इंजरी ना, कभी इंजरी कुछ इस तरह से लगी, जैसे मैं अभी बता रहा हूं आपको, कभी मान लो इंजरी कुछ इस तरीके से लगी, यानी कट ऐसा लगा, कट कुछ इस तरीके से लगा, अगर मान लो, अगर कट कुछ इस तरीके से लगा, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? तो इस वाले कट में डिफरेंस यह है कि जब यह कट लगा तो इसके साथ नर्व रिंग का भी एक छोटा सा हिस्सा कट हो गया, इसके साथ नर्व रिंग का भी एक छोटा सा हिस्सा कट हो गया। तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में क्या होगा, ये जो पार्ट अलग होगा, ठीक है, ये जो पार्ट इससे अलग होगा, ये वाला हिस्सा जो इससे अलग होगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला हिस्सा जो इससे अलग हो गया है, ये वाला हिस्सा जो इससे अलग हो गया है, जिसके साथ छोटा सा नर्व रिंग का भी हिस्सा आ गया है, तो ये जो एक आर्म है और उसके साथ जो एक पार्ट ऑफ नर्व रिंग आ गया है, साथ में पार्ट ऑफ नर्व रिंग आ गया है, तो अब ये क्या करेगा, इट विल रीजनरेट इनटू एंटायर न्यू स्टारफिश। तो इस हिस्से से फिर ये पूरी नई स्टारफिश बना लेगा, ठीक है। सो इट विल रीजनरेट एंटायर स्टारफिश, ये पूरी स्टारफिश बना लेगा इतने हिस्से से, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज कि ये जो कट लग गया है, तो ये जो स्टारफिश है जिसमें चार फीट बचे हुए हैं, तो इट विल रीजनरेट, इट विल रीजनरेट मिसिंग आर्म एंड पोर्शन ऑफ नर्व रिंग। ठीक है, तो इनमें अच्छी रीजनरेशन की पावर होती है, ठीक है, दे हैव अ वेरी गुड पावर ऑफ रीजनरेशन, और इंजरी किस तरह से लग रही है उस पर डिपेंड करता है कि रीजनरेशन कैसा होने वाला है। हालांकि इतना सब कुछ आपको मतलब अच्छा लग रहा है तो याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना है कि कितना कट रहा है तो क्या, एक इंटरेस्ट के लिए अपन ये डिस्कस कर रहे हैं, और इससे अपने को सिर्फ पता ये रखना है कि स्टारफिश के अंदर रीजनरेशन का पावर होता है, ठीक है, अपने को सिर्फ पता ये रखना है कि स्टारफिश के अंदर रीजनरेशन का पावर होता है। आई होप तुमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है तो एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दें, जिससे हम आगे बढ़ पाएं। ओके, ठीक है, थैंक यू, आपको समझ में आ चुका है तो हम आगे बढ़ेंगे अभी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन शुरू से ही आ रहा है, और मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया जब पहली बार मैंने फाइलम इकैनोडर्मेटा पढ़ा और मुझे बताया गया कि ये स्पाइन बॉडीड एनिमल्स हैं, जैसा कि आपको बताया गया है, ठीक है, और साथ में ये भी ऐड किया गया कि वो स्पाइंस नहीं है जो बाहर दिख रहे हैं, तो फिर वो क्या चीज़ है जो इनकी बॉडी के बाहर दिख रहा है? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे दे हैव कैल्शेरियस एंडोस्केलेटन, ठीक है, एंडोस्केलेटन मतलब जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक, तो कैल्शियम से बना हुआ इनके पास एंडोस्केलेटन है, हम लोगों के पास भी एंडोस्केलेटन है, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं बोन्स, तो हमारा जो एंडोस्केलेटन है वो बोन से बना हुआ है, इनके पास भी कुछ उसी तरीके का एंडोस्केलेटन है जो कि कैल्शियम के स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ठीक। दिस एंडोस्केलेटन
दिस एंडोस्केलेटन इज हैविंग मैनी प्रोजेक्शंस टूअर्ड्स आउटसाइड, ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं बाहर की तरफ, ठीक है. सो दिस एंडोस्केलेटन हैव मैनी प्रोजेक्शंस ठीक है मैनी वी कैन से कोनिकल प्रोजेक्शंस ठीक है मैनी कोनिकल प्रोजेक्शंस तो बहुत सारे कोनिकल प्रोजेक्शंस है. जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, कि मान लो ये एंडोस्केलेटन का कोई तो स्ट्रक्चर है जो जगह जगह पे ऐसे उठा हुआ है, ठीक, जो जगह जगह पे ऐसे उठा हुआ है, ठीक है. तो दिस एंडोस्केलेटन है मैनी कोनिकल प्रोजेक्शंस, ठीक है, मैनी कोनिकल प्रोजेक्शंस विच कैन बी सीन ऑन द स्किन सरफेस, ठीक है, विच जो स्किन सरफेस पे दिखेगी. भाई अगर मान लो मेरे अंदर एक एंडोस्केलेटन है और जो जगह जगह पे ऐसे उठ रहा है तो मेरी स्किन भी उस जगह जगह पे ऐसे उठी उठी होगी, ठीक है, मेरी स्किन भी जगह जगह पे वैसी उठी उठी होगी. तो वैसे ही इनके सरफेस पे भी होता है, वैसे ही इनके सरफेस पे भी होता है. सो ये अपीयर होता है एज स्पाइन. ठीक है, यही स्पाइन के जैसे अपीयर होता है. इनके पास एक्चुअली में कोई ऐसा स्पाइन नहीं है, वो एंडोस्केलेटन की प्रोजेक्शंस हैं जो स्किन को ऐसे उभार रही हैं और वही उभार हमें स्पाइंस के जैसे दिखते हैं. ठीक है, ध्यान से अगर आप यहां पे देखें तो मैं एक आर्म बना रहा हूं स्टारफिश का. मैंने एक आर्म बनाया स्टारफिश का, तो मैंने यहां पे एक आर्म बनाया स्टारफिश का. तो इस आर्म में भी, इस आर्म के अंदर भी क्या एंडोस्केलेटन होगा, जो कि जगह जगह पे क्या होगा, उभार रहा होगा, ऊपर की तरफ उभार दिखा रहा होगा, और उन्हीं उभार को यहां पे स्पाइन के जैसे इस तरीके से देखा जा सकता है. इसकी स्किन पे उन्हीं उभारों को हम लोग स्पाइन के जैसे देख सकते हैं. ठीक, तो ये हो गए स्पाइन्स जो इसके ऊपर प्रेजेंट हैं. ठीक है, ये हो गए स्पाइन्स जो इसके ऊपर प्रेजेंट हैं. अब इसी के ऊपर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ध्यान से देखना, उसमें भी मजा आएगा आपको. ठीक है, इसी के ऊपर एक और भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके का होता है वो, ऐसे ऐसे और ऐसे. ठीक, ऐसे बहुत सारे होते हैं. अब मैं ना इनको थोड़ा अलग से बनाता हूं आपके लिए, देखना. तो ये एक स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा. ठीक, एक मिनट वेट करिएगा. तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखेगा ऐसा. ठीक है, अब इसके ठीक है, तो देखिएगा अभी ध्यान से यहाँ पे. तो मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था, ठीक है, जो इसके सरफेस पे प्रेजेंट है. ठीक, ये स्ट्रक्चर ना एक तरीके से ऐसे फोर्सेप के जैसे रहता है. ठीक, ये स्ट्रक्चर ऐसे फोर्सेप के जैसे रहता है, इस तरीके से मान लो. ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसे फोर्सेप के जैसे है, इस तरीके से मानो, कैसे भी मान लो,
इस तरीके से फोर्सेप के जैसे प्रेजेंट है। ठीक, अब ध्यान से देखना कि जब भी इसके स्किन पे कोई गंदगी जम जाती है, अच्छा इसके स्किन सरफेस पे गंदगी कैसे जमेगी? अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट आया, अपने दिमाग में क्वेश्चन आया कि इसके स्किन पे ये गंदगी कैसे जमेगी? तो ध्यान रखें कि हमने जब शुरू किया था तभी वहां पढ़ा था कि इसका जो एनस है वो ऊपर की तरफ है, यानी जो इसकी स्किन दिखती है उस तरफ है। तो उस एनस से जब कुछ वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है तो बहुत चांसेस हैं कि वो वेस्ट मटेरियल इसके स्किन पे बैठ जाए। ठीक है, बहुत चांसेस है कि वो वेस्ट मटेरियल इसके स्किन पे बैठ जाए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या करते हैं, ये उन वेस्ट मटेरियल को स्किन से उठाते हैं और फेंक देते हैं, तो ये फोर्सेप के जैसे काम करते हैं। ठीक है, स्किन में कोई वेस्ट मटेरियल आया पकड़ा फेंक दिया। और ऐसे बहुत सारे ये वाले स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं पेडिसिलेरिया। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिसिलेरिया। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर फोरसेप लाइक स्ट्रक्चर विच क्लियर द डिब्रीज, मतलब गंदगी, विच क्लियर द डिब्रीज प्रेजेंट ऑन देयर स्किन। उनकी स्किन पे जो गंदगी इकट्ठा होती है उसको साफ करने का काम इनका होता है। तो ये भी थोड़ा सा ऐसे प्रोजेक्टेड है, तो ये भी स्किन को जो है वो एक स्पाइनी सा फील दे देते हैं। क्लियर, तो इनकी जो बॉडी है वो स्पाइनी क्यों है वो आपको पता चली, क्योंकि जो इनका एंडोस्केलेटन है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करता है तो स्पाइन के जैसा दिखता है, यहां पे दिखाया येलो कलर वाले चीजों से। साथ में इनकी स्किन पे पेडिसिलेरिया नाम के फोर्सेप लाइक स्ट्रक्चर हैं जो गंदगी को साफ करने के लिए होते हैं, तो उनके प्रेजेंस की वजह से भी स्पाइनी नेचर जो है वो आता है। ठीक है, तो तुमको इतना चीज क्लियर हो गया होगा, है ना, तुमको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। तो एक बार लास्ट में हम इसका जो एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले तो ये है आपके सामने, ये बहुत ही स्पाइनी टाइप का स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, इसे बोलते हैं इकाइनस। इकाइनस मतलब बहुत ही खतरनाक स्पाइन्स है ना, तो इकाइनस। और ये है सी अर्चिन, ठीक है, इसको बोला जाता है सी अर्चिन, दीज आर सी अर्चिन्स। ठीक है, तो ये जो पकड़ रखा है अपने हाथ में, दीज आर सी अर्चिन्स इकाइनस। फिर ये है, ये जो आपको थोड़ा सा ककुम्बर के जैसा दिख रहा होगा, ठीक है, ककुम्बर के जैसा दिखता है, ठीक, ये भी काइनोड्रमेटा का एग्जाम्पल है, जो ककुम्बर के जैसा दिख रहा है, और इसे बोला जाता है सी ककुम्बर, या साइंटिफिक टर्म्स में बोलते हैं इसको कुक्कू मारिया। ठीक है, कुक्कू मारिया या सी ककुम्बर। देन आता है ये जो आपको स्टार के जैसा दिख रहा है, ठीक है, स्टार के जैसा दिख रहा है, और इधर से टूटा टूटा दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है, स्टार के जैसा, तो इसको बोला जाता है ब्रिटल स्टार। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिटल स्टार, इसे क्या बोलते हैं, ब्रिटल स्टार। इसका नाम साइंटिफिक नेम शायद ऑफ्रियस है, एक बार इसको चेक जरूर कर लीजिएगा ये करेक्ट है या नहीं, बट इसको ब्रिटल स्टार बोलते हैं, इतना याद रखें। ठीक है, ब्रिटल स्टार। फिर ये है आपका खूबसूरत सा दिखने वाला सी लिली। ठीक, ये आपका खूबसूरत सा दिखने वाला है सी लिली। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं फॉर इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो देखिए
सबसे पहला एग्जांपल अपने पास स्टारफिश एस्ट्रियास, स्टारफिश एस्ट्रियास जो सबसे पहले याद रहना चाहिए एकदम हमेशा के लिए, फिर है इकाइनस सी अर्चिन, फिर है सी क्यूकम्बर, फिर है ब्रिटल स्टार, फिर है सी लिली। ठीक, तो इस तरीके से आप एग्जांपल्स को याद रखिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इकाइनोडर्मेटा को ही करेंगे। एक दो बार वीडियो थोड़ा सा पॉज किया है जिस वजह से हम लोग की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट फाइलम को भी कंप्लीट कर लेते। वो ज़्यादा बड़ा फाइलम नहीं है, उसको करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, लेकिन इतने जल्दबाजी में हम नहीं करेंगे। हाँ, एक्सक्रीटरी के लिए आप याद रखिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ही एक्सक्रीशन हो रहा है। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ही एक्सक्रीशन हो रहा है। ठीक, और व्हाट इज एंटेरोसिलोम, ओके, व्हाट इज ऑसिकल्स, देखिए तो ये जो एंडोस्केलेटन है, ठीक है, ये जो एंडोस्केलेटन है, ये जो एंडोस्केलेटन के प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, ये जो एंडोस्केलेटन के प्रोजेक्शंस हैं, इन्हीं प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं ऑसिकल्स। ठीक, इन्हीं प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं ऑसिकल्स। ठीक है, यही जो कैल्शेरियस एंडोस्केलेटन के प्रोजेक्शंस हैं ना, यही जो कैल्शेरियस एंडोस्केलेटन के प्रोजेक्शंस हैं, इन्हीं कैल्शेरियस एंडोस्केलेटन के प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं ऑसिकल्स। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑसिकल्स। ठीक, ऑसिकल इज ए टर्म which is associated with bony structure। ठीक है, जो bony structures होते हैं ना, उनसे associated terms को ossicles या osteocyte ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है, clear? अब आप पूछ रहे हैं एंटरोसिलोम। ठीक है, अब आप पूछ रहे हैं एंटरोसिलोम, तो इनके सिलोम पे आऊं। हाँ, तो जो इनका सिलोम है, ठीक है, जो इनका सिलोम है उसे हम रिफर करते हैं एज एंटरोसिलोम, उसे हम रिफर करते हैं एज एंटरोसिलोम, एंटरॉन। ठीक है, एंटरॉन ये जो टर्म है, ठीक, ये जो टर्म है इसका मीनिंग कहीं ना कहीं जाके जुड़ता है अपने गट से। ठीक है, गट से, तो जो इनका सिलोम है वो डिराइव होता है गट से। ठीक है, वो डिराइव होता है गट से, गट डिराइव होती है किससे, एंडोडर्म से। ठीक है, तो जो सिलोम एंडोडर्म से डिराइव होगा, ठीक है, गट से डिराइव होगा, उसे बोलते हैं एंटरोसिलोम। ठीक है, उसके इतने डिटेल में आप मत जाइए। ठीक है, सिलोम्स के उतने डिटेल में आप कभी मत जाइए, नहीं तो आप ना एकदम कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपको स्किजोसिलोम, ठीक है, फिर एंटरोसिलोम, ये सब बहुत सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं जो अपने स्कोप के अभी बाहर हैं। अभी सबसे पहले हम कैविटी पढ़ें तो सिर्फ सिलोम पढ़ें। कैविटी प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो सिलोम प्रेजेंट है, बस खत्म। हाँ, रेफरेंस बुक में आप सॉल्व करेंगे तो इसके लिए एंट्रोसिलोम लगाना होगा। ठीक है, तो एंट्रोसिलोम अभी के लिए अपन इसको सिर्फ इतना समझ लें, गट से डिराइव होती जो सिलोम है उसे एंट्रोसिलोम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लेक्चर को इधर ही खत्म करते हैं, और जो भी डाउट रहेगा मेरे से पूछो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो। ठीक है, आप एनसीईआरटी रीड करो, एनसीईआरटी रीड करने पे कोई डाउट बने पूछो, डिस्कस करो। ठीक, इस तरीके से अपने लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करते रहो और नीट की तरफ स्टेप बाय स्टेप अपने को बढ़ते रहना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच लेक्चर में बने रहने के लिए और चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। थैंक यू।